औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं ज़िला सरगोधा के कराना हिल के पहाड़ी सिलसिला में। 19वीं सदी के आगाज़ में जब ब्रिटिश हुक्मरान बरसगीर पाक हिंद में आए तो उन्होंने बहुत से निज़ाम मुतारफ़ करवाए। उनमें से एक उन्होंने रेलवे का निज़ाम भी मुतारफ़ करवाया। रेलवे की पटरियाँ पूरे हिंदुस्तान में बिछाई गई, तो उसके लिए यहाँ से जो है छोटा पत्थर कैरिज किया जाता, तो जो आज भी रेलवे की पटरियों पर बिछाया जाता है। तो मैं उसी मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे हक में आपको एक मस्जिद नज़र आ रही होगी। इस मस्जिद को कुंवारी मस्जिद का नाम दिया गया था उस दौर में। कुंवारी का मतलब है इंग्लिश में इसको कुंवारी कहते हैं, उर्दू में इसको कान कहते हैं। तो 1906 में इस मस्जिद की तामीर की गई, आज से तकरीबन 117 साल कबल। तो उसके बाद तकरीबन 42 साल गुजरने के बाद 1948 में इसको शहीद किया गया और इसको दोबारा से असर नो तामीर किया गया। आज इस बात को भी तकरीबन 75 साल हो गए हैं। कुल मिला के ये 117 साल पुरानी मस्जिद है और आज ये वीरानी का मंजर पेश कर रही है। ये क्यों वीरान हुई, ये आपको एक तो इसको विज़िट करवाते हैं और दूसरा आपको बताते हैं कि यह क्यों वीरान हुई। आइए हमारे साथ। जी दोस्तों, मैंने सोचा कि कबल इसके कि आपको मस्जिद विज़िट करवाएं, आपको इसके गिरदोनुमा का एक व्यू दिखाते हैं। यह सामने पहाड़ी है जो उस वक्त रेलवे के अंडर थी और यहाँ से सारा पत्थर कैरिज किया जाता था। और अब ये 50% पहाड़ी जो है महकमा अनहार के अंडर है और 50% रेलवे के अंडर है। और ये जो छोटा पत्थर आप देख रहे हैं, ये रेलवे वाले उस वक्त यहाँ से ट्रेनों के ज़रिए कैरिज करके ले जाते थे। यहाँ एक पूरी बस्ती आबाद थी कश्मीरियों की, कश्मीरी लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए आते थे तो वो यहाँ आके स्टे करते थे। तो ये आप देखें, हम ये मस्जिद किस जगह वाक़ है और यहाँ पे इसके जो साइडें हैं, मैं आपको बताऊँ कि ये जिधर आप देख रहे हैं व्यू, यहाँ पे सारा जंगल ये सरकंडों का उग चुका था। तो फिर ये एक अल्लाह के नेक बंदे ने इसको यहाँ पे सारी कटिंग करवाई और इसकी सारी सफाई करवाई। आज ये मस्जिद खस्ता हाली का शिकार है और अपने नमाजियों का राह देख रही है। तो आए चलते हैं अंदर मस्जिद में। जी आ, ये मस्जिद जो है इस बात का ये सबूत है कि ये वीरान हो चुकी है। और यहाँ पर सारे वो कांटे रख के इसका रास्ता ब्लॉक इसलिए किया गया कि यहाँ पे ना वो कुछ जंगली जानवर और कुत्ते वगैरह ना आए। और यहाँ पे गिद्धों की बहुत आत है, तो इसको हम हटाते हैं फिर अंदर इंशाल्लाह चलते हैं। ये सारे कांटे रख के रास्ता बंद किया गया। इसको हम जाते वक्त फिर रख जाएंगे ताकि जानवर यहाँ पे कोई ना आए। ये मस्जिद का सीन है, छोटा सा सीन है, मेरे ख्याल में ये 3 से 4 मरले होगी। और इस साइड पे ये वज़ू खाना बनाया गया उस वक्त में जब इसको दोबारा रेनोवेट किया गया, उसको गिरा के बनाया गया। तो कुछ अरसा कबल कुछ लोगों ने इसको दोबारा से थोड़ी सी मरम्मत कराई थी, लेकिन अब ये वीरान हुई पड़ी है। काफ़ी अरसे से पानी का यहाँ पर इंतज़ाम था जो अब बिल्कुल नहीं है। और ये आप देखें वज़ू खाने, इस बात का आपको गवाही दे रहे होंगे कि यहाँ पर ना पानी है, ना नमाजी है, ना कोई वज़ू करने वाला। बाकी आए आपको इसका फ्रंट दिखाते हैं। ये आप देखें कि उस दौर में 1948 में यहाँ पे ये इसको दोबारा तामीर किया गया और इसकी जो खस्ता हाली है वो चीख चीख के बयान कर रही है। तो ये उस दौर में तामीर की गई थी। और ये देखें आप, ये बकायदा किसी ने ये बंद किया, इसको सीमेंट लगा के थोड़ा बहुत इसको मरम्मत किया गया। और ये इसका फ्रंट आप देखें, इंतहाई खूबसूरत तामीर की गई थी उस दौर में। तो इसके अलावा यहाँ इसके जो है प्लेट लगी हुई है बाकायदा कुंवारी मस्जिद, ये 1369 हिजरी में तामीर की गई, यानी ये 1948 बनता है क्योंकि आजकल 1444 चल रहा है। अल्लाह उसका भला करे जिसने इसको दोबारा, मैसर सूफी खुदा बख्श हाजी सानलाई साहिबान ठेकेदार जिन्होंने इसको दोबारा असर नो तामीर किया था। ये इसके मीनार आप देखें, बड़ी खूबसूरत मीनार है। चलें आपको अंदर से एक इसके व्यू दिखाते हैं। यहाँ चूँकि लाइट नहीं है तो अंधेरा है। ये सामने मस्जिद का मेन मेहराब है जी, बड़ी ज़बरदस्त इसको तामीर किया गया और ऊपर मीनार की लुक दी गई है जो कि बड़ी अच्छी है। वेंटिलेशन का बड़ा ही ज़बरदस्त अरेंज किया गया है। तो एक यहाँ पे हमें बुज़ुर्ग मिले हैं, उन्होंने ये बताया कि कुछ अरसा पहले जो है ना वो इसकी छत किसी अल्लाह के नेक बंदे ने दोबारा डलवा दिया, छत इसकी नई बनी हुई है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे ना कोई नमाजी है और ना ही कोई वज़ू करने की जगह है।
और ना ही पानी का रेंज है और ना ही बिजली का। बिजली भी यहाँ से दूर आई है, वायरिंग हुई है, शायद सोलर सिस्टम पे इन्होंने वो कोई अरेंज किया होगा, मुझे इस बारे में पता नहीं है और मैं झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मस्जिद में खड़ा हूँ तो, और ना ही हम झूठ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी वीडियो में भी अपने पास से कुछ भी ऐड करने की कोशिश नहीं करते, इतनी इन्फॉर्मेशन वाले शेयर करते हैं। यहाँ पे फिर नीचे कालीन बिछाई गई है जो अब यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर आए हम तो इतनी ठंडक फील हो रही है, हालांकि अच्छी खासी वो गर्मी है, वैसे तो सर्दियों की आमद आमद है तो, लेकिन अभी सर्दी क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई, गर्मियां जा रही हैं तो बाहर खासी गर्मी है, अंदर मौसम फिर भी ठीक है, टेम्परेचर इसका ठीक है। ये कुरान मजीद है जी, यहाँ पे किसी ने रखा हुआ अल्लाह के नेक बंदे ने। मुझे बड़े ही अफसोस हुआ कि इस वक्त जो है ना यहाँ पे जहर का वक्त है और जहर का वक्त हो चुका है और यहाँ पे सराउंडिंग में सारी मैंने अजानें सुनी हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि इस मस्जिद में अजान नहीं हुई, ना इस मस्जिद में कोई नमाजी आया और ना इस मस्जिद में किसी ने नमाज पढ़ने के लिए कोई रुख किया। यहाँ पर ये मेहराब का व्यू देखें और मेहराब के ऊपर भी इन्होंने कोई वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ था, एग्जास्ट छोटा सा। मैं आपसे सब दोस्तों से, खासकर मुसलमान दोस्तों से गुजारिश करूंगा क्योंकि गैर मुस्लिम भी मेरी वो वीडियोस देखते हैं, तो मुसलमान भाइयों से मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि अल्लाह के किसी नेक बंदे तक पहुँचे और वो इसको रेनोवेट करवा दे। लोकेशन हम इसकी सारी वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो ये अल्लाह करे ये आबाद हो जाए हमारी और ये आपकी मुश्तरका काविश होगी कि ये अल्लाह करे ये आबाद हो जाए, अल्लाह का घर में खुशी होगी, चलें सवाब भी मिल जाएगा हमें। ये मस्जिद के सेन एक बड़ा ही खूबसूरत पीपल का दरख्त लगा हुआ है जिसकी अब छाँव भी ना होने के बराबर है क्योंकि इसको भी पानी ना लगाने की वजह से खुश्क हो चुका है। और आप देखें दरवाजे मस्जिद के, कितने अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने मस्जिद के दरवाजे तक चोरी कर लिए। मुझे यहाँ से पता चला कि नशेई हज़रात ने चोरी किए हैं, तो ये बड़े काबिल अफसोस बात है। बहरहाल अल्लाह ही हाफिज़ जी, क्या कह सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला को कोई नेक बंदा इसको देखे और इसको रेनोवेट करवा दे और यहाँ पे हैंडपम्प तक नहीं है कि नमाजी वजू कर लें या कुछ सोलर सिस्टम का अरेंज हो जाए। यहाँ से गुजरते लोग हैं तो वैसे ये सारा जंगल है, अभी हम आए हैं तो यहाँ पे आसपास सारे गीदड़ बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ों में बोल रहे थे। और ये आपको हम इसकी मस्जिद की साइड पे ले आए हैं और ये वाशरूम बने हुए हैं। आप ये देखें हमारी मुसलमानों की हालत है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सारे इसके आगे सरकंडे उग चुके हैं वाशरूम के आगे और ये गुसलखाने भी थे और वाशरूम भी थे, तो यहाँ पर आप कोई भी नहीं आता ये इस बात का सबूत। और ये सारा देखें जंगल उग चुका है, इसकी एक साइड से जैसे कि मैंने पहले बताया एक अल्लाह के नेक बंदे ने सफाई करवा दी थी और ये दूसरी साइड हम कोशिश करेंगे कोई अल्लाह का हमें नेक बंदा मिले तो उससे रिक्वेस्ट करके ये भी सारे सरकंडे साफ़ करवाएं। मस्जिद तो बना दी ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। बड़े अफसोस की बात है 117 साल कदीम हमारी मस्जिद आज वीरान पड़ी है, नमाजियों का राह देख रही है। हम किसी से कोई चंदे की अपील नहीं कर रहे, ना हमारा कोई ऐसा कोई नेटवर्क है कि हम चंदे की कलेक्शन करें। हम सिर्फ गुजारिश ये करेंगे कि कोई इसको रेनोवेट करना चाहे तो हम उसको सिर्फ एड्रेस गाइड करेंगे। तो जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपने हमें कमेंट्स में बताना कि हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।